फसल सब हम लोग को नष्ट कर देता है लोग। अच्छा, कोई काम नहीं हुआ है। 90% जनता इनसे परेशान है और दुखी है, कोई काम कोई विकास नहीं हुआ। अभी योगी जी जिस समय वो कुर्सी से उतरेंगे ना, उस समय उनको मालूम होगा कि हाँ हम का किए हैं नहीं किए हैं, तब वो लोग ये लोग उत्तर दे सकते हैं। कोई नहीं, मैं तो कोई विकास नहीं हुआ है। अब विकास दिखाई कहाँ, कौन सा विकास है? हमारे गांव में तो कोई विकास है नहीं है। अच्छा, मोदी सरकार ने गरीबों को गैस दिया और लाटरिन दिया, और हम लोग का जो जमीन था ना वो चला गया। ये बताइए तो मोदी सरकार तो देख नहीं रहे हैं, लेकिन उनके जो चमचा है वो देख रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए अकाउंट में, किसके अकाउंट में पैसे आए नहीं आए? नोटबंदी की लाइन लगाने के लिए आदमी मर गए नोटबंदी में। हाँ? लाइन लगाने के अब उन्हें अच्छे दिन आए गए, अच्छे दिन पर खराब दिन आए गए। अरे मतलब पैसे लेके लाइन नहीं लेते, अब पूरा लाइन लगती है, अब GST लगा दी, वो खराब हो गया, व्यवस्था गड़बड़ गई, आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ गई, GST पैसे लगा गया तुम्हें। सभी लोग लाइन में लगा दिया गया नोटबंदी के समय, सब जनता परेशान। बताइए कौन सा विकास हुआ, कैसा विकास? विकास दिखे तब ना कोई कहे कहाँ विकास है। जब विकास हमें दिखेगा तब कहेंगे विकास, जब नहीं दिखा नहीं कहेंगे विकास। अरे अच्छा यही किया, गैस दिया गरीबों को, गैस दे दिया। अब गैस जिसको दिया है वो पूछिए नहीं महीना में साल में कई बार भराता है। मोदी जी दिए उस समय छूट किए, 7 महीना के बाद उसका सब्सिडी जाएगा उसके खाते में। 7 महीना सब्सिडी नहीं जाएगा उसके खाते में जो गैस वाला लिया है। करेगी जो भी जो स्टूडेंट है पकौड़ी बेची है, रोजगार सर मिला ही नहीं। कैसे रोजगार, कहाँ रोजगार मिला, किसको रोजगार मिला? हाँ, जो भी पढ़े लिखे हैं चलिए पकौड़े बेचे, पकौड़े कौन सा रोजगार भाई? हमें सर्विस दीजिए, कंपनी में दीजिए काम, तब ना पकौड़े बेचकर हम रोजगार करें, ये कौन सा रोजगार है? ये कोई रोजगार होता है? योगी जी जिस समय कुर्सी से उतरेंगे ना, उस समय उनको मालूम होगा कि हाँ हम का किए हैं नहीं किए हैं, तब वो लोग ये लोग उत्तर दे सकते हैं। विजय माल्या का हो गया, नीरव मोदी का हो गया, और XYZ मेरे पास पूरी लिस्ट आई थी। इन लोगों का ये कहना था कि चलो रोजगार दे देंगे और लोगों की परेशानी दूर कर देंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। अब तक अच्छे दिन नहीं आए। GST जो लगाना था डीजल पेट्रोल पर लगाए नहीं, बाकी सारी चीज़ों पर GST लगा दिए। GST अगर डीजल पेट्रोल पर लगी होती तो आज उसका क्या भाव होता? क्या हुआ बताइए? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है तो क्या रही? कुछ नहीं हुआ है, दल तो परेशान रहते। अगर ऐसा होता तो रोजगार मिलता, हर चीज़ होता, क्यों परेशान होते? हाँ, सबके नीचे संविधान में चेंजिंग, यहाँ पे चेंजिंग, वहाँ पे चेंजिंग। अरे क्या, किस बात की चेंजिंग यार? बड़े दिन से क्या चेंजिंग, किस बात की चेंजिंग कर रहे हैं? नेता से कुछ अरमान होते, मतलब कि जनता के, मतलब कि पूरे हो, लेकिन कुछ कोई चीज कोई वाहवाही लूटने के लिए दिखाते हैं। अगर ऐसा नहीं दिखाते जनता कैसे मोहित होगी? वो तो हम भी विज्ञापन में कुछ भी दिखा सकते हैं। कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम वाम हुआ नहीं है सर। 90% जनता इनसे परेशान है और दुखी है, कोई काम कोई विकास नहीं हुआ। अभी ये वही मशीन खत्म बंद किया दे, समझ में आ जाएगा यार कि क्या है, किसकी क्या औकात है तुरंत। हाँ सर, अभी ब्लड पेपर से पूछ रहा हूँ ना, समझ में सब कुछ आ जाएगा। इनके नाम का विकास हुआ है हर जगह, नाम का विकास हुआ, लेकिन कार्य का कोई विकास नहीं। हर कार्य में मोदी, बड़े दरबार में मोदी। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जनता को बहुत धोखा दिए हैं और ये बात सामने आ ही जाएगी। तरह की चाहे जिस क्षेत्र में बात किया जाए, कोई भी वादा पूरा नहीं किए हैं। कहें तो कि नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, लोगों को सुरक्षित सम्मान मिलेगा, मगर क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, न कोई रोजगार मिला, न कोई कुछ भी नहीं मिला, बस मिला यही है कि बस देख लो। योगी को दे रहा है तब वो कहेगा कि नहीं हमको दिए, कहेंगे तो इससे अच्छा कि मैं साला साइकिल से चाहे हाथी से उसी को दो। हम देखिए भाई टोटल बात कह रहे हैं, हम किसी और जाएंगे ना तो हमारा नाम ही नहीं लेंगे। मोदी जी काम से तो हम बिल्कुल खुश हैं। ये तो बोले कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ भाई, क्यों अच्छा काम कर रहे हैं? ये किए
आगे जॉब मिल गया क्यों नहीं भाई साहब हैं लोग, सरकारी जॉब मिल गया है, हर चीज हो गया है, रोजगार जबरदस्त दे दिए हैं। क्या राष्ट्रवाद क्या वो क्या मुद्दा, उनकी बात ही मुझे पसंद नहीं। मुझे करना जो यार वादा पूरा पूरा नहीं कर पाया उसको क्या मतलब, अपने अपने जबान में कायम ना रहे उसका मतलब कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश है, बस अखिलेश है और कोई नहीं है। प्लीज कम यार इधर आओ, प्रधानमंत्री कोई बने आओ, तुम बताओ ना किसी को सपोर्ट करेंगे हां और किसी को नहीं हां। बात चुटकी का ले रहा हूं ना यार, सामने आओ हां। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वो तो कोई बने, कोई बने यार, लेकिन जो हमारा नेता है वो अखिलेश ही है। अगर अखिलेश ना रहते बसपा कोई जगह रखकर गठबंधन नहीं रहता तो ही माया। अरे मर्द मर्द ही होता है, औरत होगा नहीं। हां अब जताएं कि मैं मर्द हूं तो ये कौन सा तरीका है हां। मोदी का मन ना जीता है।